ये लीजिए काजू कटी खाई। किस खुशी में? अरे आप लोग की बेटी, इसकी बहन वापस घर आ गई है, खुशी की बात तो है ना। वैसे जिसकी वजह से आप लोग इतना खुश है वो नौटंकी है का? ये आप रखिए, ये मैं उसको पहना। बैंकर, ए मिस बैंकर, मैडम आराम कर रहे हैं? ऑफ कोर्स ना होगा, वरना अपना सारा प्लान चौपट हो जाएगा। जल्दी मैं रुकती हूँ, तुम यहीं रुको। पता था यहाँ पे मैडम आराम कर रही होगी, इतनी गर्मी में इतना बड़ा कंबल लोड के सो रही हो, हीट स्ट्रोक आ जाएगा, मर जाओगी। चलो उठो। क्या क्या कर रहे हो तुम? ऐसे कैसे बिना पूछे किसी लड़की के कमरे में घुस सकते हो? कुछ पद्धत है कि नहीं? पद्धत? तरीका, ये क्या तरीका हुआ? अरे आंटी जी, मैं तो बस एक अच्छे पड़ोसी की तरह हाल पूछने आया था आपकी बेटी का। और ये देखिए काजू कतली भी लाया हूँ, खाइए। नहीं नहीं, रहने दो। अरे खाइए खाइए, शर्माइए मत। ओ बैंकर, चलो उठो, तुम्हारे लिए भी लाया हूँ, खाओ। नहीं प्लीज, परेशान मत कीजिए, मेरा ना सर चकरा रहा है, आराम करने दीजिए मुझे। तुम्हारा सर चकरा रहा है क्योंकि तुम्हारे सर यहाँ पे है। नाइस। एक्चुअली मेरे सारे एम्प्लॉयज के साथ होता है, जब मैं उनके सामने आ जाता हूँ ना तो उनका सर चकरा जाता है। पर मैं इतना भी बुरा बॉस नहीं हूँ आंटी, मैं अच्छा बॉस हूँ, पता है, बहुत ही केयरिंग हूँ, बस फालतू में बदनाम हूँ। अखबार है वो उधर, वो देखो उधर है। एक काम करता हूँ, थोड़ी हवा दे देता हूँ। अब पंखा चालू है पर हवा नहीं आ रही है ना? डैड, या डैड, डैड के बच्चे है का तू? यहाँ मीटिंग शुरू होने वाली है, जल्दी आ। हाँ हाँ, मैं बस निकल गया, पहुंच रहा हूँ। ओके, आई विल सी यू, बाय। लगता है मेरे डैड और भगवान ना तुम्हारी साइड पे है बैंकर। जाना पड़ेगा मुझे, बट ये मत सोचना कि फिर से नहीं आऊंगा, दोबारा आऊंगा, क्योंकि जानता हूं तुम कुछ ना कुछ करने के फिराक में। पर मेरे होते तो कर नहीं पाओगी, है ना? ध्यान रखिए आंटी जी, काजू कतली। ये लो जी, हमारी अम्मू इतनी बड़ी परेशानी में से बाहर आ गई ना, है? ये मिठाई खाओ, बस अब सब जल्दी ठीक हो जाए। लो लो लो, खा खाओ, ज्यादा खाओ, ज्यादा खाओ। हाय, वाह 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 आंटी, कितनी स्वीट है, बट वेरी अनफेयर। आप अभी मिली इन मुस्टंडों से और आप इनको मिठाई ऑफर कर रही हैं, और मैं आप लोग का पड़ोसी, स्वीट, डिसेंट, हेल्पफुल, हैंडसम, पूछा तक नहीं। वो इसीलिए क्योंकि आप तो ताई को जेल भेजने की तैयारी में लगे हुए हो ना, तो इस हिसाब से आपका कोई हक नहीं बनता है। आई एम सॉरी, आपको नहीं मिलेगी।